नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप अड्डा विद एक्सपर्ट्स। लल्लन टॉप अड्डा विद एक्सपर्ट्स में हम लगातार देश विदेश के अलग अलग एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर, ताकि संबंधित विषय से जुड़ी सभी सही जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा पाए। आज के हमारे सेशन के मेहमान हैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव के बारे में बता देते हैं, वो एक वायरोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैरीलैंड यूएसए में कार्यरत हैं। वो पिछले 10 सालों से आरएनए वायरसेस पर रिसर्च कर रहे हैं। आज गौरव जी से हम उन विषयों पर बात करेंगे, कोरोना वायरस से जुड़े जो वो विषय हैं जिनको लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसमें प्रमुख तौर पर वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी जनरेशन आदि आते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका लल्लन टॉप अड्डा विद एक्सपर्ट्स में। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। गौरव जी, शुरुआत करेंगे कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी पर। बहुत बात चल रही है इन्हें लेकर। अभी हाल फिलहाल में एक जर्मन स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो वैक्सीन एडेनो वायरस वैक्टर्स इस्तेमाल करती है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका, उसमें ब्लड क्लॉटिंग के, रेयर है लेकिन बहुत सीरियस ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही एक और, अगर हम एक गोएथ यूनिवर्सिटी के पेपर की बात करें तो उन्होंने बताया कि mRNA जो वैक्सीन्स होती हैं, मैसेंजर RNA वैक्सीन्स जो होती हैं, वो कंपैरेटिवली सेफर प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पूरे विषय पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आप दर्शकों को समझा सकते हैं कि ये कितनी पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की? कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग इज ऑन माय ओन व्यू, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माय इंस्टीट्यूट। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आप ब्लड क्लॉट की बातें करते हैं, तो अभी यूके में 20 मिलियन लोगों को एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लग चुका है और केवल 79 लोगों में ब्लड क्लॉट की समस्या आई है। तो अगर उसको देखा जाए तो 1 लोग को, 2.5 लाख लोगों में से किसी 1 लोग को ब्लड क्लॉट की समस्या आई है। अगर उसको परसेंटेज देखा जाए तो 0.0004% है, तो दैट इज वेरी वेरी रेयर। अगर नॉर्मली देखा जाए यूरोप में तो हर महीना 10,000 लोगों को ब्लड क्लॉट नॉर्मली होता है, और इवन इन यूके 3,000 लोगों को नॉर्मली हर महीने ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन के द्वारा किए गए ब्लड क्लॉट इज वेरी वेरी रेयर। और अगर हम कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण के द्वारा ब्लड क्लॉट की समस्या का चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सिवाय इसके या वैक्सीन लेके जो आपका 0.0004% आपका चांसेस है वो बहुत कम है। तो अगर आप हमेशा आप कंपेयर करते हैं कि आपका रिस्क क्या है, रिस्क तो ये भी है कि अगर आप रोड पे जाते हैं तो उसका रिस्क 1 to 200 or 300 है, राइट? सो अगर आप रिस्क देखें तो रिस्क बहुत कम है ब्लड क्लॉट का। और अगर हम बात करते हैं ये वायरल वेक्टर, एडिनो वायरस वेक्टर, तो एडिनो वायरस वेक्टर कोई नया नहीं है, इसके ऊपर काफी वैक्सीन बन चुकी है। जैसे कि आप हम HIV का देखिए, वो आप टाइफाइड का देखिए, और भी जैसे एबोला का हुआ है, एबोला के ऊपर वैक्सीन बनी है, सब एडिनो वायरस पे बनी है और क्लिनिकल ट्रायल में सारे प्रूव हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि एडिनो वायरस वेक्टर इज नॉट गुड। होता क्या है कि हमारा साइंस हमेशा इवॉल्व करता है। जैसे कि पहले हमारे पास बैलगाड़ी थी जी। फिर बाइक आई, फिर कार आया, फिर कार के अंदर AC आया, म्यूजिक सिस्टम आया, तो साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तो हम चाहते क्या है, कुछ जो नया है उससे हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो इसमें भले ही ये वैक्सीन काफी सेफ है, हर मानक पे एकदम प्रूफ हो चुकी है, लेकिन जो इस आप जो बात कर रही है रिसर्च की, उन्होंने बस ये बताया है कि उन्होंने ये देखा है कि भले ही काफी रेयर हो लेकिन ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने उन्होंने ये देखा है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में जो हम केमिकल यूज करते हैं जी, राइट, ADTA यूज करते हैं, और या तो जो हमारा वायरस पार्टिकल होता है, जो उसमें पेप्टाइड होता है, वो करता क्या, वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है, और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट जब करता है तो बहुत रेयर इम्यून रिस्पांस ऐसा होता है कि उसके अगेंस्ट प्लेटलेट 4 एक मॉलिक्यूल होता है जो प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को क्लॉट कर देती है। तो उस क्लॉट के कारण जो क्लॉट बनता है और ये ब्लड क्लॉट होता है।
तो ये उन्होंने बताया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि EGTA जो कंपोनेंट है, जो हमारा ब्लड वेसल होता है उसके चारों ओर सेल्स लगे होते हैं, तो EGTA क्या करता है, सेल्स की दूरी को हटा देता है, तो वो लीक होने लगता है जी कंपोनेंट ब्लड के अंदर, और जब ब्लड के अंदर वो प्लेटलेट्स और एंटीबॉडी जब जो कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है तो उससे ब्लड क्लॉट बनता है, उन्होंने बस ये बोला। वो एक और बात उसमें डिस्कस की गई थी कि ये जो एडेनो वायरस है, कोल्ड वायरस वैक्सीन की अगर हम बिल्कुल बात करें, तो दे रिमेन अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वो उसके विषय में अगर आप कुछ समझा पाए, और हाँ, जबकि तो mRNA नहीं करती। हाँ हाँ, तो mRNA करती क्या है कि mRNA को हम समझे, उसको कहते हैं, जब mRNA हम दिए जाते हैं तो वो सेल्स के अंदर जाता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता जी mRNA वैक्सीन, क्योंकि mRNA वैक्सीन सेल्स के अंदर जाके सीधे mRNA से प्रोटीन बनाता है, लेकिन हमारा जो एडिनो वायरस वैक्टर है वो DNA वैक्टर है, वो सबसे पहले न्यूक्लियस में जाता है। तो ओके उन्होंने ये बोला है कि जो ये वैक्सीन है ये ऑप्टिमाइज नहीं है उस तरीके से, तो वो ओके क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है तो वो न्यूक्लियस में जाता है, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, DNA से पहले mRNA बनता है, फिर mRNA से वो प्रोटीन बनता है, स्पाइक प्रोटीन, उसके अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो वो ये कहना चाहते हैं। तो बेटर ये है कि न्यूक्लियस में ना जाके हम केवल सेल्स के आउटर पार्ट मतलब कि साइटोप्लाज्म में रहें, तो जी इसलिए जी वो बोल रहे हैं कि mRNA वैक्सीन इज मोर बेटर देन एडिनोवायरस, बट आई डोंट थिंक सो, आई मीन वी कैन गो वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट बट इज देयर व्यू। उन्होंने ये भी बोला है आखिरी में, अगर आपने देखें तो उन्होंने बोला है ये भी केवल उनकी एक हाइपोथीसिस है, जी ये भी ये पेपर पीयर रिव्यू नहीं है, अभी प्रीप्रिंट में है। ऑल और राइट उन्होंने बोला है कि और जो एडिनो वायरस हैं वैक्टर्स हैं, जैसे कि अपना जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, स्पुतनिक हो गया, उन्होंने उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है, तो ऐसे बोल देना कि एडिनो वायरस वेक्टर में प्रॉब्लम है ये केवल और केवल एक हाइपोथेसिस जी। अभी 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 को और लेकर। जैसा कि आपने कहा गौरव जी, कि ये बहुत ही रेयर अकरेंस है, और बिल्कुल अगर अगर जो भी डेथ केसेस या इन सीवियर ब्लड क्लॉटिंग्स की वजह से जो आ रही हैं डेथ केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको अगर रिसर्च किया गया, तो ये भी मालूम चला चला कि नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दी वैक्सीन इसके कोई इम्प्लीकेशन है। तो बहुत शुक्रिया ये क्लैरिफाई करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अगला सवाल गौरव जी, हमारा जो वैक्सीन से होने वाले इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को लेकर है, कि बिल्कुल इम्यूनिटी पीरियड कितना होगा? लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अगर हमने कोरोना वैक्सीन ले ली है तो वो कितने दिनों तक लास्ट करेगी इम्यूनिटी। एक रिसर्च स्टडी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें ये बताया गया कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं और उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ प्रीवियसली, उनको शॉट्स की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही उन लोगों को भी जो जो इन्फेक्ट हुए हैं, हालांकि उन्होंने रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो किया है। तो इस पूरे विषय पर अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवांशी जी, और इसको मैं बहुत डिटेल में बताना चाहूंगा कि सटीक बोल पाना कि कब तक रहेगा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास डेटा आ रहा है साइंस का वैसे वैसे बता सकते हैं, और अभी तक के डेटा के हिसाब से 8 महीने के हिसाब से ये देखा गया है कि 8 महीने के बाद भी जिनको वैक्सीन लगी थी या जिनको सीवियर केस में कोरोना हुआ था, ठीक है, उनके अंदर रोबस्ट एंटीबॉडी बनी है, और वो एंटीबॉडी अभी तक के जितने भी सर्कुलेटिंग वायरस हैं उनको आराम से उनके अगेंस्ट काम कर रही है, तो जी अभी तक के हिसाब से 8 महीने। लेकिन हाँ, अगर हम डेटा को देखें तो वो ये भी बता रहे हैं कि जो एंटीबॉडी के हिसाब एंटीबॉडी के बाद उनके अंदर बी एंड टी सेल रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे तरीके से रोबस्ट हुए हैं। अगर उनको देखा जाए तो हो सकता है ये 1 साल, ये 1.5 साल या 2 साल भी जा सकता है, लेकिन अभी हम नहीं कुछ कह सकते, अभी जी जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहें तो देखिए, जैसे कि आप मीजल्स कवर और डिपेंड और एंटीबॉडी और इम्यूनिटी डिपेंड करता है पैथोजन टू पैथोजन, जैसे मीजल्स वायरस के अगेंस्ट है तो जी वो मतलब डिकेट्स में आपकी एंटीबॉडी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हर साल म्यूटेट होता रहता है, तो हर साल हमारे US में आपको बूस्ट दिया जाता है, और अगर आप बहुत क्लोज देखना चाहें तो देखिए जो सार्स कोरोना वायरस था जो 2002 में आया था और 8,000 लोगों को से मौत हुई थी, उसमें उसकी जब वैक्सीन बनी थी तो देखा गया था कि 3 साल तक एंटीबॉडी का वेरी रोबस्ट रिस्पॉन्स था, और जी उसके बाद 17 साल 2003 से 2020 तक 21 तक भी वेरी स्ट्रॉन्ग बी और टी सेल रिस्पॉन्स है, जो
अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है सार्स कोरोना वायरस और न्यू सार्स कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में काफी मिलता जुलता है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो होप काफी है। और इम्यूनिटी को अगर हम देखते हैं, इम्यूनिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अगर हम केवल एंटीबॉडी के तरीके से नहीं देख सकते उसको, क्योंकि एंटीबॉडी केवल एक आर्सेनल है इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी में अलग भी आर्सेनल है, क्योंकि हमारे जो इम्यूनिटी है बहुत अलग अलग तरीके से हमें बचाता है। तो वैक्सीन कितनी प्रभावित होगी वो आगे आने वाले टाइम ही बता सकता है। और आपने बोला कि बूस्टर, तो हाँ ये हो सकता है कि बूस्टर प्रोवाइड हो, डिपेंड ऑन कि कैसा रिस्पांस रहता है। आपने वैक्सीन जो उसमें बात कही गई कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं और जिनको कोरोना वायरस ने कभी इन्फेक्ट नहीं किया है उनको बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि जो इन्फेक्ट हो गए हैं लोग एंड दे शोड रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसमें थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें कि हाउ इज दिस हैपनिंग, कि जिनको क्या इसमें नेचुरल एंटीबॉडीज का क्या रोल आता है। गौरव जी बिल्कुल बिल्कुल, तो होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ था, या तो माइल्ड हुआ था, मॉडरेट हुआ था, सीवियर हुआ था। तो रिसर्च से देखा गया जिसको माइल्ड होता है उसको एंटीबॉडी बहुत कम इंड्यूस होती है और टी सेल बी सेल रिस्पॉन्स बहुत कम होती है, लेकिन ये देखा गया जिनको मॉडरेट और सीवियर केस है उनकी उनकी काफी अच्छी एंटीबॉडी बनी है। ओके, लेकिन 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 और आपको पता है कि लेकिन मॉडरेट टू सीवियर बहुत वेरी करता है, तो आपका आपको नहीं पता है कि आपकी कितनी एंटीबॉडी बनी है और इम्यूनिटी कितने लेवल पे है, इसलिए आपको इन्फेक्शन होने के बावजूद भी टू मेक श्योर कि आपकी इम्यूनिटी कितने लेवल पे है कि आपको उस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा, सहायता करेगा, यू नीड वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन से हम टीच करते हैं इम्यूनिटी को ताकि वो एकदम प्रॉपर रोबस्ट एंटीबॉडी बना दे और आप मेक श्योर हो जाए कि आपको फिर से इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत कम है, अगर होगा भी तो इट विल बी ओनली माइल्ड। जी बहुत शुक्रिया एक्सप्लेन करने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। गौरव जी अभी आपने मेंशन किया मेमोरी बी सेल्स के बारे में, आपने थोड़ा सा मेंशन किया, हम उसको थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं, और कोरोना वायरस में पर्टिकुलरली इनका क्या फंक्शन रहा है अभी तक जितना हमने देखा है। बिल्कुल, तो बी सेल को समझाने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और हम पूरा समझते हैं कि इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे किसी भी आने वाले पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाइस हो, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए उसके दो लेयर होते हैं, पहले लेयर को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को कहते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, तो जैसे ही कोई भी पैथोजन हमारे पास आता है तो वो सबसे पहले वो रिस्पॉन्स करता है, इट इज वो 2-3 मिनट में ही रिस्पॉन्स करता है बहुत जल्दी, और वो नॉन स्पेसिफिक होता है, वो ट्राई करता है कि उस पैथोजन को वहीं रोक सके। लेकिन अगर उस पैथोजन को वहां रोक नहीं पाता है, क्योंकि वायरस के अंदर भी काफी आर्सेनल होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी को रोक के और इन्फेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी ट्रिगर करता है अडाप्टिव इम्यूनिटी को। तो अडाप्टिव इम्यूनिटी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी में होता है बी सेल्स और सेल मीडिएटेड में होता है टी सेल्स। तो होता क्या है कि जब आपका इन्फेक्शन होता है तो बी सेल किसी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे ही बी सेल रिकॉग्नाइज करता है वो टी हेल्पर सेल्स की सहायता से वो एक्टिवेट होता है और प्रोलिफरेट होता है और डिफरेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी जनरेट करते हैं बी सेल्स के रिस्पॉन्स में, और वही बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स भी बनाता है और मेमोरी बी सेल्स बनाता है। तो प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडी बनाने, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन में। और जो मेमोरी बी सेल्स है वो याद करता है कि जो बी सेल्स है, बी सेल्स ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो कौन सा पैथोजन था, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन थी। तो वही बात हो गई जैसे कि बैंक में होता नहीं है मोस्ट वांटेड फोटो, तो वहां पे वो याद रखता है कि अगर ये अगली बार ये आया तो हम रोबस्ट एंटीबॉडी का हम प्रोड्यूस करेंगे। तो वो सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता है। तो अब पहले तो होता क्या है, तो जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है किसी को, पहली बार कोई इन्फेक्ट हुआ, तो हमारी एंटीबॉडी बनने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, तो वो काफी टाइम चला जाता है ताकि आदमी काफी सीवियर हो जाता है, राइट। लेकिन जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, जब दूसरी बार आता है, तो मेमोरी बी सेल को पहले पता होता है
कि अगर वो आएगा तो हमें तुरंत रिस्पॉन्स देना है। तो जैसे ही वायरस आता है, मेमोरी बी सेल उसको उसको रिस्पॉन्ड करता है और इमीडिएटली प्लाज्मा सेल्स को बोलता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो विद इन 3 और 4 डेज इतने ज़्यादा एंटीबॉडी बनते हैं कि वो वायरस को अपने सेल्स में अटैच होने से ही रोक देते हैं। जी जब अटैच ही नहीं होंगे तो आगे इन्फेक्ट नहीं होगा, तो आपको पता भी नहीं होता है अगली बार कि आपको इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर होता भी है तो माइल्ड होकर चला जाएगा, क्योंकि तो आपकी रिस्पॉन्स बहुत स्पीड में है। और तीसरी बात क्या है, मेमोरी बी सेल के बाद भी क्या है, होता है मेमोरी टी सेल्स। जी तो वैसे ही मेमोरी टी सेल्स होता है, तो टी सेल्स बी सेल्स की तरह काम नहीं करता है, वो चीजों को बहुत अलग ढंग से देखता है। ओके तो जैसे बी सेल्स काम करते हैं कि एंटीबॉडी बनाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको अब बाहर ही रोक देते हैं, सेल्स के अंदर नहीं आने देते हैं। टी सेल बोलता है हमें इससे मतलब नहीं, अंदर आने दो। जब ओके अंदर आता है, जब मान लीजिए वायरस अंदर आ गया सेल के अंदर, तो सेल्स करता क्या है कि वायरस के काफी टुकड़े करता है, तो पेप्टिन उसको कहते हैं पेप्टाइड के, प्रोटीन के पेप्टाइड टुकड़े करता है। और जैसे ही टुकड़े करता है, सेल अब उन पेप्टाइड को अपने ऊपर फ्लैग कर देता है, बोलता है भाई हम तो इन्फेक्ट हो गए। जैसे ही टी सेल देखता है कि अच्छा ये इन्फेक्ट हो गया, सीधे वहां जाके अटैक करके उन सेल्स को खत्म कर देता है। तो होता है उससे क्या है, वायरस दूसरे सेल्स में प्रोपेगेट नहीं कर पाता, इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी का पार्ट एंटीबॉडी भी है, मेमोरी बी सेल रिस्पॉन्स भी है और मेमोरी टी सेल रिस्पॉन्स भी है। वी कैन जी नॉट सी इम्यूनिटी ओनली एज ए एंटीबॉडी। जी अगला सवाल गौरव जी, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन और म्यूटेशन एक्यूमुलेशन, ये तीन चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बात हुई कि कोरोना वायरस के जो नए म्यूटेशंस हैं उन पर वैक्सीन्स असर नहीं कर रही, रोज नित नई चीजें सामने आ रही हैं, रोज नई रिसर्च स्टडीज हमारे सामने आ रही हैं। हम आपसे उसके बेसिक बेसिक साइंस जानना चाहेंगे कि आरएनए वायरसेस में हाउ डज इट हैपन, द रेप्लिकेशन, म्यूटेशन एंड म्यूटेशन एक्युमुलेशन, इन तीनों का क्या प्रोसेस रहता है? और जैसा कि अभी फ्रेंच साइंस वायरोलॉजिस्ट लुचमंतानी ने एक एक बात कही थी जो काफी वायरल भी हुई, वो जो उनका पूरा टॉक था, पूरा इंटरव्यू था, कि कोरोना वायरस वैक्सीन्स के कारण म्यूटेशंस की उत्पत्ति हो रही है, तो अगर आप उस पर भी कमेंट करना चाहें तो। बिल्कुल। तो जैसे सार्स कोरोना वायरस है, ये आरएनए वायरस। जी अब आरएनए वायरस में जीनोम आरएनए होता है इस पार्ट ऑफ इस। तो होता क्या है कि ये अपनी अपनी कॉपीज बनाते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आरएनए वायरस में एक चीज गलत ये है कि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरर प्रोन होता है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं अपने अपने जीन्स में, वो एग्जैक्टली अपनी कॉपी एग्जैक्टली नहीं बना पाते। तो उससे क्या होता है, वो म्यूटेशंस आते हैं उनके जेनेटिक कोड में। तो जब वो म्यूटेशंस 3 टाइप के होते हैं, या तो वो दे आर बेनिफिशियल टू वायरस, या तो बेनिफिशियल नहीं होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे, वो जी वायरस भी डिसाइड नहीं करता है। तो जो न्यूट्रल होते हैं वो उसको भी आपको पता नहीं लगता कि कौन से न्यूट्रल म्यूटेशन है, उसका इफेक्ट क्या हुआ। दूसरा हुआ, जो वायरस के अगेंस्ट होते हैं वो वायरस पहले ही खत्म हो जाते हैं, वो वायरस आगे रिप्लिकेट ही नहीं कर पाते। लेकिन जो कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो वायरस को एक फंक्शन देते हैं, एडिटिव फंक्शन देते हैं, और वही जो वायरस वेरिएंट होते हैं वो आगे और रिप्लिकेट होते रहते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि ये जो वेरिएंट है वो ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। अब उसमें होता क्या है, तो जब वो म्यूटेशन जब होता है, तो जब जब कुछ म्यूटेशन जो आपको फंक्शन देते हैं, तो जैसे कि अपना जो इंडिया में जो फैल रहा है म्यूटेशन B1617.2, उसमें क्या है, उसमें 2 टाइप के ऐसे म्यूटेशंस हैं। पहला म्यूटेशन ये है जो कि एंटीबॉडी को, जैसे मैंने बोला कि एंटीबॉडी चिपकती है और वायरस को रोक देती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एंटीबॉडी है वो उस म्यूटेशन के कारण वो सेल्स में चिपक जा रहा है, तो एंटीबॉडी वैसे काम नहीं कर रही है, तो वो एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को भी धता बता के चिपकने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक फंक्शन ये म्यूटेशन का, और दूसरा घुसने के अंदर होने के बावजूद इन्फेक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में इन्फेक्ट हो रहा है और प्रोपेगेट हो रहा है। तो जी इसलिए म्यूटेशन बहुत बहुत
एडिटिव एडिशन करते हैं वायरस के फंक्शंस को। उन्होंने ये कहा कि म्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के कारण, राइट। तो ये मैं बहुत जल्दी में बताना चाहूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास अभी लाखों का डेटा है, और अगर अगर वैक्सीनेशन से म्यूटेंट हो रहे होते तो हमें पता लग गया होता और वहां पे संख्या और बढ़ गई होती। और अभी देखिए आप यूएस में, यूके में, जहां पे मोर देन 50% लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, वहां म्यूटेशन की दर कितनी कम हो गई, वहां तो वहां वायरस बहुत कम इन्फेक्ट हो रहा है। तो ये एकदम साफ साफ बताता है कि उनका ये तथ्य कि एडीई एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट या म्यूटेशन होने से वैक्सीनेशन होने से म्यूटेशन हो रहा है, ये सरासर गलत। अगला सवाल मेरा गौरव जी आपसे ये होगा कि एक चीज जो इस समय बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस की जा रही है कि जो वैक्सीन इफेक्टिवनेस स्टडीज हैं, भारत अभी भी दूसरे देशों की स्टडीज पे डिपेंडेंट है, अपनी स्टडीज नहीं कंडक्ट कर पा रहा है, और साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है चीज। आपके हिसाब से, चूंकि आप साइंटिफिक कम्युनिटी से आते हैं, आपको क्या लगता है? और एक बात ये भी जानने लायक है कि हाँ, हमारी डेमोग्राफिक्स अलग हैं, हमारे और भी कई सारे लोकल फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए जब हम किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को स्टडी कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं कि हम ये भारत में नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं ऑन द लेवल दे शुड बी, और क्या आपके कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हैं, सजेशंस हैं इस पूरे सब्जेक्ट में? ओके, तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत सही बात बोली कि आप जब तक आप क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते हैं किसी वैक्सीनेशन का अपने ही डेमोग्राफी में, तब तक आपको पूरी सेफ्टी लेवल के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर अगर किसी जो वैक्सीन हमारे यहाँ चल रही है, स्पुतनिक चल रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड चल रही है, उसका उसका जो क्लिनिकल ट्रायल होना बहुत जरूरी है अपने ही डेमोग्राफी में। और आपने बोला कि बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, अब क्यों नहीं हो रही हैं वो तो सरकारें या उनके एडमिनिस्ट्रेटर ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हमारे यहाँ दो चीजें कुछ कमी ये है कि हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा कम है सरकारों से लेकर लोगों तक, और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ रिसर्च में फंडिंग बहुत कम होती है जी, और उसका स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट कम है, वैसे यूनिवर्सिटी कम है, और वैसे साइंटिफिक रिसर्च को, बेसिक रिसर्च को उतनी फंडिंग नहीं मिलती। तो जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो जो आप जैसे आप देख रहे हैं यूएस यूके ऐसी कंट्री में जहाँ पे इतनी बहुत आगे तरीके से 14-14 हज़ार लोगों पे, 20-20-30 हज़ार लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको देखते हुए भी हमारे जो वैज्ञानिक है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और आप देखिए कोवैक्सीन बन गया, कोविशील्ड बन गया, और उनके डेटा भी आ रहे हैं। तो देखिए सीसीएमबी ने भी बताया है कि जो हमारे कोविशील्ड का जो जिनको कोविशील्ड मिली थी, उन्होंने ये बताया कि अभी तक जो जिनको वैक्सीनेटेड हुआ था और जिनको सीवियर इन्फेक्शन हुआ था उनके अगेंस्ट कोविशील्ड काम कर रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म यही है कि तुरंत क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया जाए सारी वैक्सीन का, एफिकेसी देखने के लिए, इफेक्टिवनेस देखने के लिए इन द रियल फील्ड, चाहे एडल्ट्स में हो चाहे चिल्ड्रंस में। और लॉन्ग टर्म ये है कि हमें हमारे देश को चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा फोकस करें, क्योंकि जैसे आपने देखा इस कोरोना काल में कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है वैक्सीन को लेकर। देखिए जिनके पास वैक्सीन नहीं है वो दूसरे देश के डिपेंडेंट है, राइट। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमें जरूरी है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करें, उसमें फंडिंग करें, और तभी यह पॉसिबल होगा कि हमारा 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 देश और आगे बढ़ सकता है हेल्थ सेक्टर में भी। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा कमी है, और ये ना सिर्फ हायर लेवल पर अगर हम बात करें, बहुत ही प्राइमरी लेवल पर भी इस चीज पर काम होना बेहद जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया ये पॉइंट उठाने के लिए गौरव जी। मेरा अगला सवाल वो भी बहुत ही प्रोमिनेंटली अभी डिस्कस हो रही है चीजें कि
कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग को लेकर कर्नाटक में हमने देखा कुछ हेल्थ वर्कर्स थर्ड डोज ऑफ कोवैक्सीन ले रहे हैं आफ्टर गेटिंग टू डोजेस ऑफ कोविशील्ड. दे आर गेटिंग देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर सम अदर आईडीज. फिर एक यूपी में गलती से 20-21 लोगों को कोरोना वैक्सीन का जो मिक्स डोजेस हैं वो दी गई. तो इस तरह की कुछ केसेस सामने आ रही हैं. और उसके बाद जब डिस्कशन हुआ इस चीज पर कि क्या ये फायदेमंद हो सकती है, क्या इस चीज से कुछ एक्चुअली में कुछ ऐसा डेटा तो आई थिंक हमारे पास अभी तक नहीं है कि जो सटीक तरीके से बता सके कि ये कारगर है. आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर कि ये क्या फायदेमंद साबित हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाउ डू यू सी इट? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जो मैच एंड मिक्स एंड मैच वैक्सीन की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं. ये पहले इबोला में भी हो चुकी है और हेपेटाइटिस बी में हो चुकी है और HIV में भी हो चुकी है. तो ये कोई नई चीज नहीं. और ये ऐसा है क्योंकि ये साइंटिफिकली ऐसे कोई बात नहीं है जो ना की जानी चाहिए. लेकिन जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें रिस्पॉन्स कितना, इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना लॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कितना सेफ है वो मिक्स एंड मैच, राइट? तो मैं उसमें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों है. तो ये देखा गया है कि जो वैक्सीन है अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन देती है. तो साइंटिफिकली ये तथ्य है कि वो अलग अलग पार्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और हमारी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होगी. तो उसी बेस पे अगर देखा गया तो इबोला वायरस पे वैक्सीन बनी थी 2016-17 में, जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई थी. उन्होंने दो अलग अलग एडिनो वायरस लिए थे, वेक्टर लिए थे. पहला एडिनो वायरस लिया था और दूसरा पॉक्स वायरस का लिया था. और उसमें जब उन्होंने वैक्सीन बनाई तो देखा कि अगले 5-7 तक बहुत ही रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स रहा. अगर हम कंपेयर करें कि वे केवल एक वेक्टर के बेस पे. उसी तरीके से चाइना में एबोला वायरस पे बना है वैक्सीन. उन्होंने भी दो अलग अलग वेक्टर्स लिए हैं और उन्होंने भी सेम चीज देखी है कि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है काफी 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 ज्यादा है. और तीसरा उसका फायदा ये है कि जब हम मिक्स एंड मैच करते हैं तो आप देखिए कि कोई कुछ वैक्सीन बोलते हैं फाइजर इस वेरिएंट के अगेंस्ट काम करती है, कोविशील्ड इसके अगेंस्ट काम करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट काम नहीं करती, राइट? तो जब हम मिक्स एंड मैच करेंगे तो हम एक होल जितने भी कम्युनिटी ऑफ वायरस हैं उसके अगेंस्ट हम इफेक्टिव हो जाएंगे. तो मान लीजिए आप एक्स्ट्राजेनेका आपको लगा, उसके बाद फाइजर लग गया, तो जो एक्स्ट्राजेनेका नहीं बचा पा रहा था, जिससे आप इवेड हो जाए, जिससे मैंने आपको बताया जो एक्स्ट्राजेनेका जिस वायरस के म्यूटेंट को नहीं बचा पा रहा है, उसको फिर जो फाइजर की जो इम्यूनिटी मिलेगी उसको बचा लेगी. तो इसके लिए भी मिक्स एंड मैच बहुत बहुत कारगर है. लेकिन लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, बिना क्लिनिकल ट्रायल के बिल्कुल भी ये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें सेफ्टी कितनी है. दूसरी बात, जितने भी अभी तक क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं हमेशा एक टाइप के वैक्टर्स पे हुए हैं, चाहे वैक्टर वैक्टर पे हुआ है, राइट, और पेप्टाइड पे हुआ है. लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक एडिनो वायरस सिस्टम हो और एक mRNA वैक्सीन हो. ऐसा हमारा क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ और हमारे पास कोई सेफ्टी डेटा नहीं है. तो बिना सेफ्टी डेटा के ऐसा किया जाना गड़बड़ है. और अगर हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करें, दो टाइप का क्लिनिकल ट्रायल अभी हमारे पास सामने आया है. पहला है स्पेन में हुआ है, तो उसमें 600 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ है. तो उसमें उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने पहला वैक्सीन दिया है एक्स्ट्राजेनेका का, दैट इज कोविशील्ड, और दूसरा दिया उन्होंने फाइजर का. तो उन्होंने 2/3 लोगों को दोनों डोज दिए, पहला दिया है एक्स्ट्राजेनेका और दूसरा दिया फाइजर का. और जो 1/3 लोग थे उनको दूसरा शॉट, जो मतलब फाइजर का होना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, एज ए कंट्रोल ग्रुप रखा. तो उन्होंने ये देखा है कि जिनको फाइजर का सेकेंड शॉट लगा था और जिनका पहला शॉट लगा था, उनके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स आया बहुत ज्यादा रोबस्ट आया है. अगर आप कंपेयर करें केवल दो एस्ट्राजेनेका के शॉट के हिसाब से, तो उन्होंने देखा कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. और दूसरा जो हुआ है अभी तक, वो हुआ है यूके में, वो फरवरी में हुआ है,
और उन्होंने 830 लोगों में किया है, और 830 लोगों में उन्होंने चार प्राइम बूस्ट परम्यूटेशन किए हैं, चार अलग अलग तरीके से। तो पहला तरीका ये है कि कि एक टाइप के ग्रुप में केवल एक्स्ट्राजेनेका के डोनर डोज मिले, पहला डोज भी एक्स्ट्राजेनेका, दूसरा डोज भी एक्स्ट्राजेनेका, और दूसरा डोज और दूसरे टाइप के ग्रुप है जिसको केवल फाइजर मिल रहा है, पहला डोज दूसरा डोज भी, और तीसरे टाइप के लोग ऐसे हैं जिनको पहला एस्ट्राजेनेका मिल रहा है और दूसरा फाइजर, और चौथा ग्रुप वो है जिसको पहला फाइजर और दूसरा एस्ट्राजेनेका। और उसमें भी उन्होंने दो भागों में बांटा, एक भाग वो लोग जिनको 28 दिनों में मिला और दूसरे भाग वो लोग जिनको 84 दिनों में मिला। और उन्होंने फिर ये पाया है कि साइड इफेक्ट का उन्होंने अभी देखा है, तो उन्होंने ये देखा है कि जिनको मिक्स एंड मैच का लगा था एस्ट्राजेनेका के बाद फाइजर, उनको साइड इफेक्ट काफी आए हैं, और क्लिनिकल ट्रायल में वो लोग थे जो 50 ईयर्स के ऊपर वाले थे। तो ये सोचिए कि अगर 50 ईयर्स के ऊपर वालों के में अगर इतना ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है तो एडल्ट में और भी ज्यादा आएगा। लेकिन लेकिन एक बात और ये मैं कहना चाहूंगा, जितने भी साइड इफेक्ट आए थे उसमें से कोई हॉस्पिटल नहीं गया, और पैरासिटामोल खा के सब सब आराम से 36 से 48 घंटे में सबका क्लियर हो गया। लेकिन उन्होंने ये देखा है कि जिनको भी मिक्स एंड मैच वैक्सीन लगी थी यूके में, उनका इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स काफी ज्यादा रोबस्ट था, सिवाय दो एस्ट्राजेनेका शॉट के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद फिर ये जो मिक्स एंड मैच का कॉन्सेप्ट है, यूके एडवोकेट कर रहा है, फ्रांस एडवोकेट कर रहा है, डेनमार्क एडवोकेट कर रहा है, और अभी क्या कर रहे हैं वो, और जो दूसरी वैक्सीन है जैसे मॉडर्ना हुआ और नोवावैक्स हुआ, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है। तो उसके भी जैसे जैसे डेटा आएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि मिक्स एंड मैच अभी कोविड के अगेंस्ट हम कैसे काम कर सकते हैं। जी। और जैसा इसमें आ रहा था, जैसे इसमें बताया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों ने दो को ऑलरेडी दे आर वैक्सीनेटेड, दो डोजेस ले रखी हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग अपनी तीसरी वैक्सीन। तो ये तो एक तरह से शायद यही हुआ कि जिन लोगों को मिलनी चाहिए उन लोगों को भी इस वजह से नहीं मिल बिल्कुल पाई गई। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला साइंटिफिक टेम्परामेंट, वही वही बात हो गई कि हमने 3 रोटी खा ली है, पेट भर गया है, लेकिन हम 5 रोटी और खाएंगे लेकिन दूसरों को नहीं हम देंगे, तो वो गलत है, क्योंकि आपकी आपकी बॉडी को जितना चाहिए था उतना है। आप जबरदस्ती और दूसरी वैक्सीन ले लेंगे, फिर बोले हमको फाइजर भी चाहिए, मॉडर्ना भी चाहिए, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, उससे हो सकता है कि आपको साइड इफेक्ट ही हो। वैक्सीन तो वो ओवरडोज होने का बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो भी आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो आपको आईसीएमआर की गाइडलाइन दी जा रही है, सीडीसी गाइडलाइन दी जा रही है, एफडीए गाइडलाइन दी जा रही है, उनको प्रॉपर फॉलो करें, और केवल डॉक्टर्स की सुने, एक्सपर्ट की सुने, जी। अपने से बिल्कुल भी ट्रीटमेंट अपने से अपने हिसाब से वैक्सीनेशन ना लें। गौरव जी, अब एक और जरूरी बात जो मैं इसी कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग से रिलेट करना चाहूंगी, वैक्सीन स्ट्रैटेजी पर बहुत बात है, और शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन हम फेस कर रहे हैं। पॉपुलेशन साइज देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी उस लेवल की नहीं हो पाई जिस लेवल की हमें चाहिए, और चूंकि ये कोरोना सेकेंड वेव इस तरह से आई कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, तो क्या इस वैक्सीन मिक्सिंग को वन ऑफ द क्विक सॉल्यूशंस टू दिस होल शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन प्रॉब्लम, क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? और जनरली भी मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन कि इंडिया कैसे अपनी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको और स्पीड अप कर सकता है या स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रोडक्शन, तो मैं नहीं बोल सकता कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, वो तो फार्मा कंपनी अच्छे से जानती है। लेकिन अगर आप ये बोला जाए कि तैयार तो कोई भी नहीं था इस पेंडेमिक में, जी और जितना हमारा बड़ा देश है उसके हिसाब से जितनी हमारे पास वैक्सीनेशन हुआ है काफी बड़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन हम अगर अनुपात देखें तो अनुपात काफी कम, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन दी जाए, और जैसे कि इन्होंने अभी भारत सरकार ने अच्छा किया है कि जिनको कोविशील्ड लगी है उनको 1 मई से उठा के 3 और 4 महीने कर दिया है। और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि 4 महीने के बाद जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स बनता है कोविशील्ड से वो ज्यादा अच्छा बनता है सिवाय 1 महीने से। तो ये अच्छी बात है कि जितने लोग हो सके उनको पहला पहला डोज दिया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, और जो आपने बोला मिक्स एंड मैच की, ये हो सकता है, लेकिन
फिर मैं वही कहूंगा, बिना क्लिनिकल ट्रायल के हम नहीं बोल सकते कि कितना ये सेफ है और कितना ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और मुझे लगता है कि इसके बारे में जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी है इंडिया की, ये सोच भी रही होगी। जी जी जी, इन केस अगर ये सेफ्टी जो मेजर्स हैं, मतलब जो सेफ्टी उसका निकल कर आता है आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स, तो शायद देखा जा सकता है कि बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल क्योंकि इसीलिए जितने यूरोप यूरोप के कंट्रीज हैं या और कहीं के कंट्रीज हैं, अब ब्राजील देख लीजिए, तो वो लोग ये क्या, क्योंकि उनको पहला एस्ट्राजेनेका का डोज लगा था जहाँ से इंडिया जो भेज रहा था, और पहले डोज के बाद इंडिया ने भेजना बंद कर दिया है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग, तो मास वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स एंड मैच। जी जी जी, कि काफी ज्यादा लोग को वैक्सीन लग जाए। आखिरी सवाल पर आते हैं गौरव जी, थर्ड वेव, क्योंकि थर्ड वेव के बारे में बात हो रही है, थर्ड वेव में पर्टिकुलरली बच्चों में कोरोना वायरस का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या उसका जो इन्फेक्टिविटी की दर हो सकती है, उस बारे में भी कई बातें हो रही हैं, कई आर्टिकल्स भी हम देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा कुछ है, या फिर अभी जो भी क्लिनिकल ट्रायल, जो भी रिसर्च स्टडीज आई हैं, उनके बेसिस पे क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह से बच्चों पर ज्यादा असर करेगी थर्ड वेव अगर आती है तो? और दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा इस सवाल में, वो बच्चों के जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर है कि वो किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, कितना जरूरी अभी जो इंडिया इंडिया के लिए है अब ये पूरा जो सिनेरियो है, उस पर आपका क्या ओपिनियन होगा? बिल्कुल, तो वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता है, रिप्लिकेट करना चाहता है, उसको होस्ट चाहिए। अब हमने देखिए दुनिया में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, वो सबसे पहले 65 प्लस में स्टार्ट हुआ, फिर 45 प्लस में स्टार्ट हुआ, फिर 18 प्लस में स्टार्ट हुआ, राइट? तो उसके तो हम ऐसा देखें तो जो कोरोना वायरस के होस्ट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर थर्ड वेव आया तो इन्फेक्ट कहाँ करेगा? वो बच्चों पे करेगा जो 18 के नीचे हैं, क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट करेगा 18 के प्लस में तो वो तो रेप्लिकेट कर नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो वो बेनिफिशियल है ही नहीं। तो उसके लिए केवल एक होस्ट बचता है, वो बचता है बिलो 18। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि बच्चों को इन्फेक्शन होता है लेकिन काफी माइल्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो माइल्ड है मॉडरेट होकर कब सीवियर बन जाए, राइट? और ये देखा गया है कि बच्चों को इन्फेक्शन होता भी है और वो दूसरों को दे भी सकते हैं। तो ये केवल बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को दे भी सकते हैं, सोसाइटी परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो वैक्सीन को जिनको नहीं मिली है, उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए और कंट्रीज में, तो देखिए कि यूएस में फाइजर 12 to 18 ईयर्स के जो एज है उनको फाइजर लगना स्टार्ट हो चुका है आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल। कैनेडा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है 5 मई को, तो उनका भी ड्राइव स्टार्ट हो रहा है 12 टू 18 इयर्स ऑफ एज। और जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है, लेकिन जर्मनी में स्टार्ट हो रहा है 7 जून से, और स्विट्जरलैंड और यूके में अभी पेंडिंग है, ऑथराइजेशन पेंडिंग है, बट दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट। और उसके बाद 12 साल के बाद यूएस में अब स्टार्ट हो रहा है क्लिनिकल ट्रायल 6 महीने और 12 महीने के बीच बच्चों के ऊपर, जो कि सितंबर जो भी लग रहा है कि उसका डेटा अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, और सितंबर से वो वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को भी देना, क्योंकि थर्ड वेव आएगा तो वायरस के लिए होस्ट केवल बच्चे बचेंगे, और उस टाइम बहुत ज्यादा कहर मचाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें चाहिए, इंडिया को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो क्लिनिकल ट्रायल है बच्चों पर भी स्टार्ट करें, ताकि वो अगले 3-4 महीने में जब उनका डेटा आ जाए उनको भी लगाना स्टार्ट करें। जी जी, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि ये होना चाहिए, यानी बहुत लोग डिवाइडेड दिखे, अलग अलग ओपिनियंस हमें दिखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉइंट को इस तरह से क्लैरिफाई किया गौरव जी, और हम ओवरऑल भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि तमाम पॉइंट्स जो हमारे मन में तमाम सवाल थे, और ना सिर्फ हमारे मन में बल्कि ये डिस्कस भी हो रहे हैं बार, उन चीजों को इतनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप जो आपने बातें कही हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन
से रिलेटेड हो, अभी जो आपने बच्चों के वैक्सीनेशन पर बात कही, चाहे वो वैक्सीन मिक्सिंग पर हो, या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें लगती है कि अगर हमें अपना फाउंडेशन सही करना है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना होगा, और इसी तरह से हायर लेवल पर हम रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स और ये जो तमाम साइंटिफिक मेजर्स हैं किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए, वो हम बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आप लल्लन टॉप अड्डा विद एक्सपर्ट्स में आए और हमें, हमारे दर्शकों को एनलाइटन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।